सॉल्वर गैंग कभी था नकल माफिया का गुर्गा, अब चला रहा है अपना ही साम्राज्य। लेखपाल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले जिन 5 लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा है, उनके तार कुख्यात अंतर्राज्यीय नकल माफिया केएल पटेल से जुड़ने की बात सामने आई है। रविवार को गिरफ्तार गिरोह का सरगना विजयकांत पटेल का भी केएल पटेल का खास गुर्गा था, लेकिन केएल पटेल के जेल जाने के बाद इसने अपना ही साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसके बाद इसने कई परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाए। अब इनके निशाने पर लेखपाल भर्ती परीक्षा थी। सौरों से पकड़े गए विजयकांत पटेल ने 2012 में राजकीय पॉलिटेक्निक सौरों कासगंज से डिप्लोमा किया था। 2016 में वो केएल पटेल के संपर्क में आया और फिर उसके मुबारकपुर फूलपुर स्थित आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने लगा। बीच में कुछ दिनों के लिए इसने विवेकानंद आईटीआई कॉलेज सौरों में भी बतौर टीचर काम किया। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाने के दौरान ही उसने केएल पटेल संग मिलकर पेपर आउट कराने, सॉल्वर बैठाने और जाली एडमिट कार्ड और आधार कार्ड बनाने का भी काम किया। 2019 में केएल पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जेल भेजा गया तो इसने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद ये खुद ही अपने पूर्व परिचितों दिनेश कुमार और सानू कुमार संग मिलकर परीक्षा पास कराने का ठेका लेने लगा। इस काम में उसका सहयोग संदीप पटेल निवासी अतनपुर बहरिया ने किया, जो खुद केएल पटेल का बेहद करीबी है। गिरफ्तार विजयकांत संदीप के माध्यम से पेपर और उत्तर कुंजी प्राप्त करता था और फिर मोबाइल के जरिए परीक्षार्थियों को नकल करवाता था। एसटीएफ के अफसरों ने बताया कि संदीप की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये भी पता चला कि विजयकांत और उसके सहयोगियों ने 7 परीक्षार्थियों से 70 लाख में परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था। इसके लिए प्रत्येक परीक्षार्थी से 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। रुपए लेने के बाद ही उन परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ और ईयरबड दी गई थी। इन्हें गिरफ्तार करने वाले एसटीएफ लखनऊ इकाई के डिप्टी एसपी लाल प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने अलग अलग शहरों में कुल 10 परीक्षार्थियों को पास कराने का ठेका लिया था। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ईयरबड देकर परीक्षा केंद्र में भेजा गया था। पूछताछ में ये भी सामने आया कि उन लोगों को परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट बाद ही पेपर की तस्वीर मिल गई थी। इसी के जरिए वो परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व कराने में लगे थे। पेपर का फोटो सौरों का योगेश और बहरिया के अरविंद ने उपलब्ध कराई थी। उनकी भी तलाश की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाई जाएगी, इसके तार कहां कहां जुड़े हैं और कौन कौन इसमें शामिल है, सब पता चलेगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।